हेलो गाइस, मैं रचना सातोरी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल व्लॉग। हम जा रहे हैं एक शादी में, तो देखिए हमारे रिचुअल कैसे होती हैं कि एक ही दिन में दो फंक्शन हमें अटेंड करने हैं आज, और देखते हैं कैसे मैनेज होता है। चलिए चलते हैं। ये हम नीचे आ गए हैं और वेट कर रहे हैं गाड़ी का। गाड़ी आ जाए फिर हम बैठ के चलेंगे। तेल गाड़ी आ गई है। मीरा डलवाने पानी बोतल ले आई। ये जय माता दी। मेहंदी दिखाओ, अपनी मेहंदी दिखाओ। मुझे कॉल दिखा और भूत भी दिखा साथ में। अच्छा, भूत भी होते हैं? तुझे कहाँ, तूने कहाँ देखा भूत? उधर देखो, जाके भूत दिख गया। मेरा चले ले मेहंदी दिखा। अच्छा, मेहंदी दिखाओ अपनी। किसने लगाई मेहंदी? आपने। मैं कौन हूँ? मम्मी। किसकी? मेरी। और तू कौन है? मेरा। और मेरा तोता कहाँ है? कौन है तोता? देखो मम्मी की फोटो का बच्चे के मम्मी के बच्चे खड़े हुए। मम्मी के बच्चे? मम्मी के बच्चे तो आप हो? मैं देखो वो ये तो तूने नया आविष्कार कर दिया मेरा। मम्मा भी है ना, मेरी मैम सिखाती है। मैम सिखाती है क्या? स्कूल का स्टूडेंट होता है। ओह, न्यू स्टूडेंट बोलते हैं उसको जो नया बच्चा आता है स्कूल में। मैं तो हूँ नया बच्चा। अच्छा, आप ही हो? आप ही को न्यू स्टूडेंट बोलती है क्या मैम? अच्छा, फिर आपको कैसा लगा इस बार स्कूल जाके वीरा? अच्छा। आपको इसी स्कूल में रहना है, नए स्कूल में जाना है? दूसरे में? नए स्कूल में। नए में जाना है पक्का? लेकिन मुझे नहीं जाना। लेकिन दावी को तो नहीं जाना, फिर आप अकेले चले जाओगे? हाँ, चली जाऊंगी। अरे वाह, ट्रेन ट्रेन वो देखो, ऊपर से ट्रेन जा रही। कोयले वाली ट्रेन। कोयले वाली ट्रेन? मतलब कोयला वाली ट्रेन ही, इनमें कोयला जाता है ना मोस्टली। डब्बे वाली क्या बोलते हैं इनको, कुछ और ही बोलते हैं। माल गाड़ी मतलब हमारे इंडिया में होता है ये, रोक देते हैं ट्रैफिक को भी। ये देखो ट्रक खड़े हैं बेटा, छोटे छोटे ट्रक, जिप्सी। खिलौने खड़े होते और भाई ये हम रुके हैं, और ये हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने। बोलो भाई। 1010 का डालना पेट्रोल। फोन पे हो जाएगा ना? फोन पे भी तो मेरे ही फोन से। पेट्रोल जब डालते हैं तो स्मेल आती है ना। वीरा कहाँ गई? ये खड़ी। वीरा, मम्मा बोल रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? बैठी थी। मम्मा बैठी नहीं थी, कह रही थी झूठ बोल रही है। अरे बहुत देर के बाद मुझे मौका मिलेगा गाड़ी चलाने का। ये रावी आप बनाओगे अब वीडियो मम्मा की? पकड़ो मम्मा उठ के उधर। बिल्कुल आराम आराम से बनाओ, ठीक है? यहाँ पे बता दिया आए बहुत उल्टी। मम्मा ऐसे कर लो। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी गाड़ी चलाने के लिए, और मैं रावी को बता रही हूँ कैसे वीडियो बनानी है। बिल्कुल ध्यान से अपनी साइड में चलाना, आराम आराम से, ठीक है ना?
मैंने अभी सीखी है 10-15 दिन गाड़ी, देन उसके बाद मैंने एक बार चलाई है, आज मैं सेकंड टाइम चला रही हूँ। तो गाड़ी भी सीख लीजिए भाई, जिनको नहीं आती है। हाँ, सारे इंस्ट्रक्शन मेरे हस्बैंड दे रहे हैं मुझे कैसे क्या करना है। साइड में रखो, बदलो वाला गियर, बस इतना सरकाने के लिए होता है गाड़ी को। चलो जब आप फर्स्ट या सेकंड टाइम गाड़ी चलाते हो तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मेरी तरह। चलते रहो वीरा बेटा, बोल मत बीच में, मम्मा का ध्यान भटका मत। ध्यान रखना, बहुत उल्टे सीधे लोग आएंगे हाईवे पे, किसी को नहीं मालूम तुम सीख रही हो। जब मैंने स्कूटी चलाई तो ज़्यादा डर लग रहा था, और गाड़ी चलाई तो इतना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि 10-15 दिन मैंने सीख लिया गाड़ी। जब मैं गाड़ी सीखने गई तो फर्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, देन उसके बाद कभी नहीं लगा डर इतना। मम्मी गियर बदलने के अब आएगी। मुझे ना स्कूटी और गाड़ी में ये डिफरेंस लगा कि स्कूटी जब मैं चला रही थी तो वो मेरे से बैलेंस ही नहीं हो रही थी स्टार्टिंग में, और गाड़ी में तो बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्कूटी में ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे स्कूटी सीखने के बाद, जब गाड़ी सीखी तो गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। अब गाड़ी में मैं एक्सीलेटर और क्लच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, मतलब इन दोनों चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूजन है मुझे तो अभी भी। जब पिन बोलती है मतलब 80 से ऊपर की। हाँ, इसलिए मम्मा इतनी अच्छी चला रही है ना गाड़ी। रामी हाँ जैसी मम्मी ठीक चला रही है। मेरा डैडी को पानी दे दो। कहीं नहीं, इसमें देख पर्स में साफ ना पाते डाल के चला दो ना पाते मेरे को आते नहीं डाल से नहीं दे यूं करके राइट साइड में आगे फिर मत चलाओ फिर ना चलाने तो उसमें दिखा रहा है भाई 400 ऊपर करो पता है इसमें एवरेज भी कम आती है तो तुम चला चलो इसमें कोई बोतल प्लस पूरा देखे उसको आगे करके और फिर अपनी साइड में करके चला भी है ना मैं दे अभी स्पीड धीरे कर दो चलो अभी चौथे में चला वीरा सामने सज जा मम्मी की नहीं आ रही रॉक बोतल जैसे मम्मी का मन करे वैसे मम्मी चलाएंगे। आप कुछ नहीं बोलोगे। और भाई 1 घंटे के बाद ये देखो मेरे बच्चे सो गए हैं, वीरा सो गई, रावी भी सो ही गई, ये उठ जाएगी अभी। बच्चे परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा गाड़ी चला के, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी।
और ये देखो रास्ते में बनी आई थी, कम से कम 2-3 किलोमीटर तक ये लगातार यही चलती रही और रास्ता तो बहुत ही ज्यादा खराब था। और ये भैया हमें लेने आए हैं अब, और फाइनली 2 घंटे में पहुंच गए हम। 2 घंटे में हम फाइनली पहुंच गए हैं घर पे। हे भगवान, कोई फोटो खींच रहा हमारे। डीजे खड़ा है ना, ये बंद क्यों है डीजे? लेकिन बारिश बारिश से बचा रखा है। और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो उसके कुछ देर बाद ही रिचुअल स्टार्ट हुई। तेल उतारते हैं ये दूल्हे को, हल्दी का लेप लगाया जाता है शादी से 2 दिन पहले, और फिर शादी वाले दिन ये तेल को उतारा जाता है। और ये हमारी भांजी है, बालों को नजर ना लगाए प्लीज। ये सब रश्मि कर रहे हैं। और अब ये दूल्हा रेडी हो गया है, और उसके बाद ये दोबारा से आरती किया जाता है, और अब घुड़चढ़ी की तैयारी हो रही है। ये नूनराई करते हैं नजर ना लगे ताकि दूल्हे को। बूंदाबांदी तो हो रही है। वीडियो बना। और अब हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसमें जीजा ना अपने साले को माला डालता है पैसे की, तो वही रिचुअल चल रही है अभी। अभी ये दूल्हे को काजल डालते हैं, ये भी एक रस्म है। दूल्हे को काजल या तो उनकी भाभी डालती है या मामी डालती है, और ये काजल के नेक किया जाता है।
अभी ये गाना नहीं चला सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, और बेसिकली यहाँ पे घुड़चड़ी निकल रही है और घुड़चड़ी सारे गांव के बाहर बाहर से निकलती है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस करते हैं। तो गाइस व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, ये व्लॉग का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आप ज़रूर देखना। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।